Let me show you how to make a cheesy burger that's too perfect and very delicious, as McDonald's as better than Burger King. इसे बनाने के बाद ना आपको इतनी तारीफें मिलेंगी कि आपको सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना अच्छा आपने बनाया है. आप अगर इस तरह से मेरे रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा. तो मैंने यहाँ पर ना सिंपल सी रेसिपी मुझे बताना है आपको. जैसे कि मैंने रेडीमेड्स यहाँ पर बर्गर बंस ले लिए थे और मैंने यहाँ पर कुछ चिकन पैटीज़ लिए हैं. ये चीज़ी चिकन पैटीज़ है जो मैंने मकेन्स के लिए थे. यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको ईजिएस्ट मेथड बता रही हूँ कि आपको बर्गर घर पर ही किस तरह से बनाना है. मैंने यहाँ पर कुछ बर्गर बंस को इस तरह से कट कर लिया है. पहले हम इसे पैटीज़ को अच्छे से फ्राई कर लेंगे. मैंने यहाँ पर थ्री बंस लिए थे तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरह से थ्री पैटीज़ लूँगी. तो इस तरह से हम इसे बर्गर पैटीज़ को अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे. ये पैटीज़ ना इतने अच्छे थे कि ये चिकन के भी बने थे और इसके अंदर ना बहुत सारा चीज़ भी था. तो इसीलिए मुझे ये मैं मोस्टली यही प्रिफर करती हूँ कि ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं और चीज़ी भी होते हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और इसे मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया. अब ना हमें यहाँ पर पैटीज़ को अच्छे से निकालने के बाद हम यहाँ पर दूसरा एक तवा रख लेंगे जिसमें मैं बटर ऐड करूँगी और हम बर्गर बंस को अच्छे से इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से. जैसे आप पाव सेकते हैं ना, इसी तरह से हमें यहाँ पर बंस को भी सिर्फ एक ही तरफ मैं इसे इस तरह से सेक लूँगी, क्योंकि दूसरी तरफ आप करोगे तो ना ये बर्गर वाला टेक्सचर नहीं आएगा. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ बटर में थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से ब्राउनिश टेक्सचर देके मैंने इसे निकाल लिया था. अब मैं यहाँ पर इसे नीचे के हिस्से में यहाँ पर तंदूरी मेयो पहले लगा लूँगी और थोड़े मैंने यहाँ पर वेजीज भी रखे हैं. पहले मैं यहाँ पर तंदूरी मेयो लगाऊंगी, यहाँ पर लेटस का पत्ता रखूंगी इस तरह से. वैसे तो हमें ऐसे ही खाना है ना, आप कैबेज भी रख सकते हो जैसे कि मैंने रखा है जुगाड़ू तरह से. तो अब मैं ऐड करूंगी टमाटर की स्लाइसेस, फिर चिकन पैटी, अब मैं यहाँ पर कुकम्बर रखूंगी, फिर प्याज. इस तरह से रखने के बाद मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लूंगी. अगर आपके पास चाट मसाला भी अवेलेबल हो तो आप इसमें रख सकते हो. वैसे ये चिकन पैटीज बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही डिलीशियस है, तो इसीलिए मैंने इसमें स्पाइसेस को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है. थोड़ा सा नमक डाला, फिर मैंने इस तरह से इसे रख दिया. अब यहाँ पर मैं चीज़ के स्लाइसेस ले लूँगी जिसे मैं एक एक करते हुए सारे बर्गर बंस में रख लूँगी. और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर बर्गर बंस में यहाँ पर ऊपर से मैंने हॉट चिली सॉस डाला है, थोड़ा सा स्पाइसी किक देगा. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पेपर कुछ इस्तेमाल नहीं किया. फिर मैंने यहाँ पर सारे बर्गर पैटीज में मैंने हॉट सॉस को लगा लिया, यानी कि हॉट चिली सॉस. फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी चीज़ के स्लाइसेस और इसे इस तरह से ऐड करने के बाद फिर से मैं बर्गर बन के ऊपर के हिस्से में मैं थोड़ा सा केचप लगाऊंगी और इसे बंद कर दूंगी एक एक करते हुए सारे. वैसे आप बर्गर्स घर पर भी इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में या फिर हम बर्गर किंग में जहाँ भी हम जाते हैं, बाहर के बर्गर्स जो भी खाते हैं वो उतने ज़्यादा डिलीशियस नहीं होते, एकदम से सॉगी से हो जाते हैं. तो इसीलिए ना मैं इस तरह से बना रही हूँ जो आप घर पर सेटिस्फाई भी हो सकते हैं और इसे इस तरह से बना भी सकते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा. बस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी बर्गर वाली रेसिपी कैसी लगी, यानी कि चिकन बर्गर वाली रेसिपी कैसी लगी. बस मेरी रेसिपीज़ को ढेर सारा प्यार, यानी कि ढेर सारे लाइक्स और शेयर्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे सारे रेसिपीज़ को वॉच किया करें. बस आज के लिए इतना ही. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग असमास कुकिंग फीवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.